कोटा एमबीएस अस्पताल परिसर स्थित जीएनएम और एएनएम हॉस्टल में अचानक से आग लग गई। आग लगने से हॉस्टल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना से पैनल रूम में रखे गार्ड के 40,000 रुपए जलकर के राख हो गए। जानकारी के मुताबिक गार्ड रामरतन ड्यूटी खत्म करके हॉस्टल पहुंचा था और उसके पास 40,000 रुपए रखे हुए थे। इस दौरान अचानक से शॉर्ट सर्किट से पैनल रूम में आग लग गई। ऐसे में छात्राओं ने खुद प्रयास करके आग पर काबू पाया। इधर हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का कहना है कि यहां आग बुझाने के इंतजाम नहीं है। फिलहाल किसी भी जिम्मेदारी अधिकारी ने इस घटना की कोई सुध नहीं ली है। बुरी स्थिति है, हर साल यहाँ पर लाइट जाती है। पिछले साल भी यहाँ पर इधर ऊपर वेटिंग रूम पे ऊपर लाइट आग लग गई थी, वो भी आग यहीं पे बुझाई गई है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है आग बुझाने की, ना तो वो सीएनजी की कोई गैस की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। ये तो शॉर्ट सर्किट हुआ, जोर से चिंगारी अंदर गई, उस कारण से जिसमें अंदर जो मेरे हमारे सामान वगैरह थे, बैग वगैरह थे, किसी ने मेरे वो रात को पेमेंट दी थी 40,000 रुपये, जो बैग में मेरे बैग में थी सर, जिस बैग में रखी हुई थी वो सुबह देनी थी मेरे को, वो भी सुनी थी बेबी से, वो भी चल गई सर। सारे जिन मेरी वर्दी जिन वाले की वर्दी थी वो भी चल।